जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अतुल और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों फाइनली Realme UI 5.0 का अपडेट यहां पे चाइना के अंदर रिलीज कर दिया गया है। Realme GT 2 Pro डिवाइस और Realme GT Neo 5 डिवाइस के लिए अपडेट अभी फिलहाल रिलीज किया गया है। बहुत जल्दी इंडिया के अंदर भी Realme UI 5.0 Android 14 का अपडेट आ जाएगा। ये अप्रॉक्सिमेटली 7 GB के आसपास का ह्यूज अपडेट है और इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स इसके लेटेस्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अपकमिंग Realme UI 5.0 Android 14 में कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले Realme GT 2 Pro डिवाइस और Realme GT Neo 5 डिवाइस को यहाँ पे अपडेट मिला था और ये हमने पहले ही बताया था कि 18 के बाद अपडेट मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों कम्युनिटी Realme कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था अपडेट के रिगार्डिंग और यहाँ पे बीटा अपडेट का फॉर्म जिन्हें फिलअप किया है उन्हें यहाँ पे अपडेट मिल चुका है। तो GT Neo 5 डिवाइस का ये स्क्रीनशॉट है और इन यूज़र्स को यहाँ पे अपडेट मिला है Realme UI 5.0 Android 14 का। और ये जो अपडेट है दोस्तों, इस अपडेट का साइज़ आप यहाँ देख सकते हो Realme UI 5.0 Android 14 का अप्रॉक्सिमेटली 7 GB के आसपास ये अपडेट है। काफ़ी बड़ा अपडेट है और अपडेट के फीचर भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विस मिलने वाली है कार प्लस की। वैसे कार प्लस का जो ऑप्शन है वो ओप्पो की डिवाइस में भी था और इनडायरेक्टली Realme की डिवाइस में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते थे। स्मार्ट एयर एफिशिएंसी सी में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रॉस एंड सिंक्रोनाइजेशन का जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे वर्क बेंच का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन वाला ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपके बहुत सारे जो न्यू फ़ोन एंड क्विकली माइग्रेट डिवाइस है उसका डाटा भी यहाँ पे आप लिंक के थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं। ऐसे सारे फीचर डिटेल में भी हम आपको बताएंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटो वीडियो परमिशन मैनेजमेंट और जो एप्लीकेशन एक्सेस है उसे और भी बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्टअप जो स्पीड है उसे यहाँ पे इम्प्रूव किया गया, ऑप्टिमाइज़ किया गया और बहुत सारे एनिमेशन स्मूथलेस एनिमेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। Realme UI 4.0 में एक्वामॉर्फिक डिज़ाइन मिला था, यहाँ पे एक्वाटिक डिज़ाइन आपको मिलता है, यानी कि आपको जो वाटर से रिलेटेड बहुत सारे सिस्टम थीम UI रिंगटोन्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में कुछ इफेक्ट भी आपको साउंड से रिलेटेड इफेक्ट और डायनेमिक जो डेडिकेटेड सिल्क डायनेमिक डिज़ाइन है वो भी आपको UI में देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको न्यू रिंगटोन के साथ साथ कुछ नए नए फीचर्स भी मिलने वाले हैं जो कि एक्वाटिक डिज़ाइन के साथ में आते हैं। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे किया गया है, जैसे कि यहाँ पे WeChat QQ जो ऐप है उसमें आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग फंक्शन का ऑप्शन मिलता है। Realme UI 4.0 में क्लोन ऐप बहुत ही कम ऐप सपोर्ट करती थी, बट यहाँ पे क्लोन ऐप के आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं और यहाँ पे वन टच कॉन्टैक्ट डायलिंग का फंक्शन मिलने वाला है और सिस्टम मीडिया प्लेयर जो है इसमें रेसिडेंट कंट्रोल सेंटर को इंक्लूड किया गया है। तो ये थे फीचर, लेकिन बात करते हैं हम Realme UI 4.0 वर्सेज Realme UI 5.0। तो नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हो दोस्तों आप, Realme UI 5.0 में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन और छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। ये बीटा है, हो सकता है कि बाद में और भी बड़े चेंजेस मिले। तो भाई क्विक ग्लांस वाला जो फीचर है इसमें भी आप देख सकते हो छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन ही Realme UI 4.0 वर्सेस 5.0 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ज्यादा यहां पे चेंजेस नहीं किया गया, ऐप एज इट इज वैसे ही है। प्लेसमेंट को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम वेदर आप देखें Realme UI 4.0 वर्सेस Realme UI 5.0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5.0 में एक टैब इंक्लूड कर दिया गया है और यहाँ पे अगेन से कुछ उलटफेर थोड़ा बहुत किया गया है, जैसे कि आप प्लेसेस देख सकते हो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बाकी एज इट इज़ आपको सेम वैसा ही मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले हम फीचर के बारे में बात करते हैं कार प्लस के। तो यहाँ पे दोस्तों जो कार प्लस का जो फीचर है ये पहले भी ओप्पो की डिवाइस में था, रियलमी की डिवाइस में नहीं मिलता था। कार प्लस का जो फीचर है अभी बहुत सारे कार मॉडल को सपोर्ट करता है और काफ़ी क्विकली ये कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे एक और फीचर काफ़ी अच्छा लगा है, पोर्टेबल वर्क बेंच वाला फीचर। यहाँ पे अगर आप अपने मोबाइल को भूल जाते हो या फिर अपना मोबाइल आपके पास नहीं रहता है तो यहाँ पे फिर भी आप अपने मोबाइल का डाटा एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे जो पोर्टेबल वर्क बेंच जो फीचर है इसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से अपने मोबाइल का जो डाटा है वो एक्सेस कर पाओगे। Realme UI 5.0 का जो अगला फीचर मिलता है वो एक्वाटिक रिंगटोन्स का मिलता है। यहाँ पे दोस्तों वाटर साउंड डिज़ाइन ये UI किया गया है एंड यहाँ पे डायनामिक साउंड इफेक्ट भी आपको मिल जाता है, बहुत सारे एक्वाटिक रिंगटोन यहाँ पे ऐड किए गए हैं।
जिसमें इनकमिंग रिंगटोन और नोटिफिकेशन साउंड इफेक्ट आपको वाटर साउंड वाले देखने को मिल जाएंगे रिंगटोन सेक्शन के अंदर पे। अगला फीचर है मोबाइल मूविंग क्विक लिंक वाला। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके मोबाइल से आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओल्ड मोबाइल की स्क्रीन टूटी हो या फिर कैमरा डैमेज हो तो आप QR कोड स्कैन नहीं कर पाओगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे Realme UI 5.0 अपडेट के बाद टचलेस क्विक कनेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मोबाइल को ऑनली आपको पास में रखना है और यहाँ पे एक लिंक ट्रांसफ़र हो जाएगी जिसके थ्रू यहाँ पे मोबाइल का डाटा क्विकली ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना स्कैन किए QR कोड को, और अगर आपका मोबाइल स्क्रीन डैमेज है तो भी आप डाटा ट्रांसफ़र कर पाओगे। अगला फीचर भी काफ़ी दमदार और यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों QQ ऐप जो है चाइना में बहुत यूज़ होती है, ये लोकल ऐप है और लोकल ऐप का जो कॉल है उसे आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर चाइना में ये ऐप QQ यूज़ की जाती है, अगर इंडिया में ये अपडेट आता है तो मे बी दोस्तों WhatsApp कॉल जो है आप इस फंक्शन के थ्रू रिकॉर्ड कर पाओगे। जो भी लोकल ऐप है जिससे आप कॉलिंग करते हो उसका आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट Realme UI 5.0 अपडेट के बाद आप WhatsApp में भी मेक कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। अगला फीचर दोस्तों क्लोन ऐप से रिलेटेड है, Realme UI 4.0 या फिर Realme UI 3.0, जिसमें आप देख सकते हो क्लोन ऐप बहुत ही कम ऐप को सपोर्ट करती है। यहाँ पे Realme UI 5.0 में मोस्टली ऐप जो है क्लोन ऐप में आप कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे डेली यूजर्स में हम क्लोन ऐप मोस्टली यूज़ करते हैं, तो Realme UI 5.0 अपडेट के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो ऐप क्लोन ऐप सपोर्ट नहीं करती है मोस्टली, वो ऐप भी यहाँ पे क्लोन ऐप को सपोर्ट करेगी। ये अगला फीचर है इजी मोड वन टच डायलिंग वाला। यहाँ पे इजी मोड का जो ऑप्शन है ये आपको Realme UI 4.0 में भी मिलता है, बट यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप के ऊपर अभी एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है वन टच डायलिंग फंक्शन वाला, जिससे जो ज़्यादा यूज़ मोबाइल को नहीं कर पाते, जिससे मोबाइल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर वो पर्सन ईजिली कॉलिंग कर सकता है बिना यहाँ पर फ़ोन बुक को चेक किए। तो यहाँ पे जो है डायलिंग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी इस फंक्शन के बाद। अगला चीज़ दोस्तों एनिमेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। Realme UI 5.0 में जो ऐप स्टार्टअप एनिमेशन है उसमें काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एनिमेशन है मैसेज नोटिफिकेशन का, इसको आप डायरेक्ट पॉपअप से स्लाइडिंग डिस्प्ले में कन्वर्ट कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ा चेंजेस है और एनिमेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जिससे UI भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो Realme UI 5.0 है अभी चाइना के लिए रिलीज़ किया गया है, और मे भी हो सकता है 1 वीक या उससे पहले ही इंडिया के अंदर भी Realme GT 2 Pro डिवाइस के लिए ये रिलीज़ कर दिया गया जाए, क्योंकि अभी तक GT Neo 5 डिवाइस जो इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। तो यहाँ पे GT 2 Pro जो डिवाइस है उसको ही यहाँ पे ये अपडेट मिलेगा। वैसे भी इस डिवाइस में एंड्रॉयड 14 की बीटा टेस्टिंग पहले से ही स्टार्ट है, तो बहुत जल्दी दोस्तों इंडिया के अंदर भी आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा, और जब भी ये अपडेट आता है इस चैनल पर आपको इसके रिगार्डिंग फुल रिव्यू वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे Realme UI 5.0 के जो फीचर है अभी तक के जो फीचर है वो यहाँ पे काफ़ी नहीं है, बीटा अपडेट है और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों Realme UI 5.0 के रिगार्डिंग इस वीडियो में आपको कौन सा फीचर बेस्ट फीचर लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और भी दोस्तों अपकमिंग वीडियोज Realme UI 5.0 और भी मोबाइल्स के रिगार्डिंग आपको चैनल पर मिल जाएंगे अपडेटेड। एंड यहाँ पे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, और चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी अवेलेबल है, चेकआउट जरूर से करेगा। और कोई डाउट कोई क्वेश्चन Realme UI 5.0 के रिगार्डिंग है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए, वंदे मातरम।